सेल 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 पोंच की आवाम के लिए खुशखबरी, शू लिंक्स चौक बाजार पोंच अपने सार्फिन को 20 मार्च से बूट और चप्पलों पर भारी छूट दे रहा है। इस दौरान लेडीज चप्पल और बैलीज सिर्फ 300 रुपये में, जेंट्स चप्पल और बूट सिर्फ 500 रुपये में, जबकि बच्चों के जूते और चप्पलें 100 रुपये और 200 रुपये में दस्तियाब की जाएंगी। तो जल्दी करें मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए अपनी मनपसंद दुकान शोलिंक्स चौक बाजार पोंच पर पहुंचकर अपने मनपसंद जूते और चप्पलें खरीदें। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9149940220 और 9797362003 पर रابطہ करें। हमारी शोलिंग्स जो चौक बाजार पहुँच में हमने सेल लगाई है, जिसमें लेडीज़ किड्स जेंट्स फुटवेयर में सभी में हमने सेल लगाई है, जो कि लेडीज़ फुटवेयर आपको 300 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें बैलीज चप्पल, जेंट्स फुटवेयर आपको 400-500 रुपीज़ में, किड्स फुटवेयर आपको सारे 100-200 रुपीज़ में मिलेगा। ये हमने फेस्टिवल सीज़न सेल लगाई है, प्लीज़ आइए और इस सेल का जो बेनिफिट लीजिए। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पहुंच में मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए एहतजाजी मुजाहिरे। बीजेपी के सदर राजेश शर्मा, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सुनील गुप्ता और अमन डाबर की क्यादत में बस अड्डा पहुंच में जबरदस्त एहतजाज। पाकिस्तानी हुकूमत का पुतला जलाकर बिम्बर गली में अस्कर पसंदाना हमले की गई मजम्मत। चाहे एसएसपी पूछो, हमने पिछली बार भी कहा था कि फौरी तौर पर उठाकर यहाँ से भेजा जाना चाहिए। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये चौथा पांचवा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ट्रेस आउट नहीं हुआ है। बड़े जो थे वो शहीद हो गए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो समझता है वो पुंछ, रजौरी और जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता। ऐसी हरकतें करके वो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के हालात को जो है वो खराब करना चाहते हैं। कश्मीर के आवाम के साथ मैं सबको जम्मू कश्मीर का हर पसंदा जो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता। बीजेपी के अर्बन मंडल ने किला बाजार पहुंच में अस्करत पसंदना हमले के खिलाफ किया एहतजाज। पाकिस्तानी पुतला जलाकर किया गमो गुस्सा का इजहार, शहदा को किया खराज अकीदत पेश। वो अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप आज देखें कि तमाम जो है हिंदू मुस्लिम सिख जो लोग हैं, हर आदमी के चेहरे पर एक उदासी है। कल कायराना हरकत करके उन पर जो ग्रेनेड फेंका गया, उनको शहीद किया गया, बन बहुत परेशान है, लेकिन आप देखें ये हरकतें बार बार चल रही है, शांति बन रही है। लेकिन एक तरफ देखिए, आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है इस चीज को कंडम करता है। इस पाक रमजान महीने के भी जो है पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने जो कल जो कारना हरकत किया, हम कड़ी निंदा करते हैं, कंडम करते हैं। माह मुबारक रमजान का अलविदा जुमा पूरी दुनिया की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी अकीदत एहतराम के साथ अदा किया गया। पुंछ की सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह पुंछ में मुनक्कद मुफ्ती फारूक अहमद मिसबाही की क्यादत में जुमा अदा किया गया। शराबी कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा शराबी हो, बदकार कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा बदकार हो, बदकिरदार कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा बदकिरदार हो, और इसी तरीके से गुनाहों की लिस्ट बनाए, हर एक गुनहगार कभी नहीं चाहेगा उसकी औलाद गुनहगार हो। यानी मुसलमान अगर से गुनहगार भी है, लेकिन वो बदे नफामा और नफसे नफामा उसके अंदर मौजूद है, वो ये चाहता है मेरा रहमान मुझे माफ फरमा दे, लेकिन रहमान और मुसलमान के दरमियान शैतान आ जाए। आए क्या
शैतान आ जाता है, यानी मतलब क्या है, ये नमाज पढ़ना चाहता है वो पढ़ने नहीं देता, ये रोजा रखना दे चाहता है वो रखने नहीं। माह मुबारक रमजान के अरबी तर्जुमा पर तहसील मंडी में भी मुख्तलिफ मुकाम पर नमाज जुमा अदा की गई। उलमाए कराम ने अमन और सलामती के लिए मांगी खुसूसी। अलविदा जुमा अदा करने एक चीज आप अशाज पशाज करता हूँ जिसको पता क्या हो रहा महेंद्र में भी अलविदा जुमा पर बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद। सबसे बड़े इज्तिमा ने मरकज जामिया मस्जिद महेंद्र में की नमाज जुमा अदा। आज ये माह मुबारक आपने पुरअमन माहौल के अंदर बिलखसूस हमारी मुल्क में तो हमारी रियासत में ये इज्तिमाई तौर पर आज ये इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और कल ईद उल फितर जो है वो इज्तिमाई तौर पर मनाई जाएगी। ये पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर की तारीखी जामिया मस्जिद में अलविदा जुमा पर बड़े इज्तिमा ने नमाज जुमा अदा की। उलमाए कराम ने अमन अमान के लिए मांगी खुसूसी दुआएं। जुमातों की हजरों की आला इससे जुमातुल विदा इवान मतलब माय शामिल हर हमेशा से खुशी कर बे रोजन खुश तो खुशहाल कश्मीर खुश खुशहाल बे करन कार सबार बार कर औज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तू उच दुरुसी कात वारिया काल वो जामिया मस्जिद बंद जुमा नमाज पढ़ने से आज थोड़ा सा। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आर्मी गाड़ी पर किए गए ग्रेनेड हमले की मुजम्मत। पाकिस्तान पर लगाया हमले का इल्जाम। भारतीय सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के जंगलों से गुजर रहा था उस वक्त जंगल में छिपकर इन कायर बुजदिल आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया जिसमें भारतीय सेना के 5 जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का तो मुकाबला कर नहीं सकते और इन बुजदिलों ने इन कायरों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया और ग्रेनेड से सेना के वाहन को निशाना बनाया। इन कायर बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना के हर एक जवान की शहादत का बदला लिया जाएगा। भारतीय सेना के बीजेपी कश्मीर यूनिट का जबरदस्त एहतजाज। मेंबर गली अस्करियत पसंदाना हमले की मुजम्मत। देखिए कल आपने देखा कि पुलिस में जो हमारे 5 जवान पाकिस्तान की दहशतगर्दी के शिकार हो गए और 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। आज उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रही है और हम उस दहशतगर्द उस बिकारी कंट्री को यही मैसेज देना चाहते हैं, दहशतगर्दों को कश्मीर भेजना बंद करो, नहीं तो आपका जो वजूद है उस वजूद को हम सफलता से मिटाएंगे। हमने आपको अंदर आके 2 बार घुस के मारेंगे, तीसरी बार ऐसी मार मारेंगे कि आपका वजूद खत्म हो जाएगा। बेसिकली पाकिस्तान की जो आज
जो नाकाम मुल्क है, जहाँ मुफलिसी है, गरीबी है, लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ चावल का एक किलो 300। एसडीएम मेंडर के हिदायत पर ऑफिसरान ने इससे कबल मार्केट चेकिंग की, इजाफी नरकों पर अशा फरोख्त करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई, बाजार में तजावजात से बाज रहने की दी गई हिदायत। एसपी हेडक्वार्टर डीएसपी ऑपरेशन एसएचओ किश्तवाड़ आबिद हुसैन बुखारी ने ईद उल फित्र से कबल किश्तवाड़ में गश्त लगाई, हिफाजती इकदाम का लिया गया जायजा।